और जिले के कुचामन सिटी से है, जहां आशा सहयोगिनियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की है। काम कराया जा रहा है, जिसमें हमें हॉस्पिटल से और अपने वार्ड से दो जगह से जोड़ रखा है, दो कड़ियों से जुड़ी हुई है। हम लोग दो कड़ियों से जुड़ी और कोरोना महामारी के चलते ना तो किसी आशा को ये हमारे से ही करवाया गया था, लेकिन इसके लिए ना तो हमें कोई सप्लाई दी थी, ना कोई सैनिटाइजर दिया था और ना ही इसके लिए कुछ साधन हमें वितरित किया गया था। और हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा के कम से कम 25। कुचामन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारिया में नरेगा कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार होने की आशंका को लेकर ग्राम खारिया सरपंच देवीलाल दादरवाल के नेतृत्व में नरेगा श्रमिक, वार्ड पंचों और ग्राम के लोगों ने विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नरेगा कर्मचारियों की ओर से अपने चहेतों को नरेगा कार्यों में जॉब दिया जा रहा है, जबकि जरूरतमंद लोगों को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। खारिया में हमारे नरेगा से संबंधित जो कार्य चल रहा है, उसमें कार्मिकों द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो श्रमिक लोग हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं और कई लोगों के जो जॉब कार्ड है वो मेरे संज्ञान में नहीं होते हुए भी बनाए जा रहे हैं, और जो मस्ट्रोल जो जारी किए जाते हैं उसमें भी कई मस्ट्रोल जो है उसमें हस्ताक्षर तक नहीं करवाते हैं। तो मैंने विकास अधिकारी जी से ये संवेदना पेश की है कि जो भी हो इसकी निष्पक्ष जांच करके जो भी कार्मिक है इससे संबंधित। ग्राम पंचायत खारिया के ग्रामवासी और सरपंच साहब यहाँ परिवेदना लेकर आए हैं, उसमें कुछ बिंदु हैं जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं होना, मेटों की मनमर्जी से संबंधित है या मेट को जो लगाना चाहिए उनको नहीं लगा रहे, इस प्रकार की कई 4-5 पॉइंट हैं जिनके बारे में उन्होंने परिवेदना दी है। तो हमारे संज्ञान में जैसे ये आज बात आई है तो हम इसका